नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। कोलकाता में आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर मामले को लेकर छात्र संगठनों के नवान्य अभियान से फैला तनाव। हावड़ा ब्रिज पर पुलिस और छात्रों के बीच दिखी जबरदस्त नोकझोंक। कोलकाता में अभियान को लेकर दिखा भारी तनाव। प्रदर्शनकारियों पर बंगाल पुलिस ने किया लाठीचार्ज, की पानी के बौछारे और छोड़े आंसू गैस के गोले। नवान्य अभियान के बाद भाजपा ने कल 12 घंटे के बंगाल बंद का किया आह्वान। छात्र समाज के नवान्य अभियान के मद्देनजर सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या की भी बढ़ाई गई थी सुरक्षा। आरजीकर घटना को लेकर सिलीगुड़ी युवा समाज ने बुलंद की आवाज। बाघा जतीन पार्क के सामने संगठन के सदस्यों ने मोमबत्ती और प्ले कार्ड लेकर किया धरना प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में आरजीकर घटना को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम की बोर्ड मीटिंग का किया बहिष्कार। वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए भाजपा पार्षद बोर्ड मीटिंग छोड़कर निकल गए। सिलीगुड़ी के चंपासारी श्री गुरु विद्या मंदिर स्कूल से चोरी हुई 12 सीलिंग फैन में से 9 बरामद, एक गिरफ्तार। आरजीकर और बर्दवान में महिला की निर्मम हत्या के खिलाफ फांसीदेवा में निकाली गई विरोध रैली। नक्सलबाड़ी हाथीगिसा के विजय नगर चाय बागान के नाले से तेंदुए का शव बरामद, इलाके में दिखी भीड़। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर आज राजगंज ब्लॉक के पगालूपाड़ा इलाके में दधी कादो खेल का किया गया आयोजन। अलीपुरद्वार में आरजीकर मामले में सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर जयगांव थाने का घेराव कर भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। आरजीकर मामले में दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर अलीपुरद्वार ग्रामीण चिकित्सकों ने कालचीनी में किया प्रदर्शन। अलीपुरद्वार जिला श्रम कार्यालय की ओर से बंद रायमा टांग चाय बागान में कंप्यूटर प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। अलीपुरद्वार जिले के शीलबारी हाट हाई स्कूल ग्राउंड में स्कूल स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में अलीपुरद्वार जिले के 5 स्कूलों ने लिया भाग। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।